अभिषेक किया सभी दर्शकों को जय यीशु की। सत्संचार स्टूडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में पुनः हम सभी बुलाहट की अपनी कहानी आपके जुबानी के अंतर्गत इस प्रोग्राम के माध्यम से और एक व्यक्ति की बुलाहट की कहानी को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हमारे स्टूडियो में अपनी बुलाहट की कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए आने वाली है और एक धर्म बहन, अर्सलाइन समाज की एक धर्म बहन जिनका नाम है सिस्टर संगीत डिसोजा। सिस्टर संगीत डिसोजा वर्तमान में बरेली धर्म प्रांत के हाटमन कम्युनिटी में एक धर्म बहन के रूप में कार्यरत है और आज के दिन में हमारे स्टूडियो में आएगी और अपने बुलाहट की कहानी हमारे साथ साझा करेगी। सिस्टर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद फादर जी। आज के दिन में आप अपने बुलाहट की जीवन की कहानी अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ आप बांटने वाले हैं, तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बाल्यावस्था के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में, बाल्यावस्था की पढ़ाई के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा परिवार में हम लोग 8 बच्चे हैं, माता पिता 8 बच्चे हैं, उसमें 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं। ये 5 लड़कियों में 4 लोग सिस्टर बन गए हैं। 5 लड़कियों में से 4 सिस्टर बने, कितनी अच्छी बात। एक ही शादी किए हैं, एक की शादी की, लेकिन अभी उसका मृत्यु हो गई, वो कैंसर से। और सबसे छोटी बहन मेरा पहले मेरी के हमसे बाद वो भी मृत्यु हो गई, वो भी कैंसर में पीड़ित थी। और भाई लोग, 3 भाई लोग, इसमें एक भाई मेरा गवर्नमेंट जॉब में था और अभी रिटायर्ड है, और एक भाई विदेश देश में थे, वो भी रिटायर होके वापस आए हैं, और मेरा भाई घर में है। एक भाई घर में है। यस, माँ बाप नहीं है, माता पिता का देहांत हुआ है। ठीक है। और मेरा पढ़ाई वहाँ मैंगलोर में फजीर गांव में हुई थी। अच्छा। क्लास 1-5 सेंट मेरी स्कूल, वो सिस्टर लोग चलाते थे, अर्सलाइन सिस्टर्स। अच्छा। उसके बाद 6th-7th अर्सलाइन सिस्टर दूसरा, वो 1-5 तक वो लड़कियों का स्कूल था, 6th-7th लड़का और लड़कियों दोनों पढ़ते थे। अच्छा। यस। और हम ये क्लास 1 से क्लास 10th तक हम अर्सलाइन सिस्टर लोगों के साथ पढ़े हैं। अच्छा जी। इसलिए हमको अर्सलाइन समाज बहुत प्यारा है। अच्छा। सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई, और हम खुश हूँ, अभी भी हम खुश हूँ। आप बड़े खुश हैं। यस। ठीक है। क्या हो गया, क्लास 10th के बाद हमको मालूम नहीं था, हम लोग बोर्डिंग में थे, 8th-9th और 10th। 3 साल आप बोर्डिंग में रहे। बोर्डिंग में हमको एंड ऑफ द ईयर सिस्टर इडल बगा गई, वो सुपीरियर नहीं तो सुपीरियर ने 9वीं सेमेस्टर से होगा, वो आके हमसे अच्छे से बात किए। मुझे उन लोगों का मतलब मालूम नहीं था, वो हंसते हंसते क्यों प्यार से बात कर रही है, हमको क्या हो गया, प्यार हो गया। सिस्टर की मतलब जिस बात करने का तौर तरीके से आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, प्यारा लगा। पहले से क्लास 1 से हम सिस्टर लोगों गोदी में पढ़े हैं, गोद में बिठा के हम लोगों को पढ़ाते थे सिस्टर लोग। अच्छा जी। इसलिए हम क्लास 1 से सिस्टर थी, क्लास 2 में सिस्टर थी, क्लास 3 में, 4 में, 5 में, क्लास टिल 7 तक सिस्टर ही थी, सिस्टर लोगों ने पढ़ाए। अभी खाली 2 लोग बचे हैं, बाकी पूरा उन लोगों का डेथ हो गया। बाद में हमको इतना किसी को, क्योंकि हम वेरी एक्टिव थी, गाने में, डांस में,
पूरा एक्टिविटीज में, पूरा कूदती नाचती थी, कोई नहीं सोचा था हम सिस्टर बनेंगे। इसलिए बाकी पूरा हम लोग 8 स्टूडेंट्स थे कैथलिक, 8 में 5 लोग सिस्टर बन गए हैं मेरा क्लास। अच्छा, 8 आपके आपके बैच में से स्कूल में पढ़ते वक्त, स्कूल में उसमें से 8 में से 5 सिस्टर लोग बने, सिस्टर लोग बने क्रिश्चियन लोगों से, बाकी 3 लोग नहीं आए हैं। ठीक है, तो आपको ये बुलाहट की प्रेरणा कब मिली? हाँ, ये तो क्लास सेकंड से। क्लास सेकंड से? यस। मतलब इतने बचपन से आपके मन में ये बात थी कि आपको सिस्टर बनना करके? सिस्टर बनना सेकंड से। मतलब किसके द्वारा मिली, किसी ने बताया आपको सिस्टर बनो करके? किसी ने बुलाया नहीं, कोई सिस्टर नहीं बने हैं तब तक। मेरा बड़ी सिस्टर लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हमारा जो पढ़ाने वाली सिस्टर हेलिना, UFS सिस्टर, इतना प्यारी, उसको माय सिस्टर बुलाते थे, माँ करके, उसको सिस्टर नहीं बुलाते थे, वो माँ, वो इतना प्यार से पढ़ाती थी, इतना प्यार से, किसी को भी डांटती नहीं, और बेस्ट टीचर्स हमने जो शिक्षा मिला है मुझे, पढ़ाई मिला है, वो टीचर पूरा टीचर स्टडीज करके आई हैं और पूरा टीचिंग एड्स दिखा के पढ़ाते थे, इसलिए बहुत समझ में आता था। तो हम लोग मतलब इस बात को इस प्रकार के हम समझ सकते हैं कि सिस्टर के व्यवहार, पढ़ाने का तौर तरीका देखकर ही आपको सिस्टर के प्रति और समाज के प्रति एक प्रकार का आकर्षण बचपन में रहा। बचपन में रहा। ठीक है, एक पेड़ तो, के नीचे। हाँ, अच्छा, हमको क्लास ले रही थी सिस्टर, सिस्टर हेलिना, तब हमने ऐसे ऊपर देखा, हम सिस्टर बनोगे, यही सिस्टर बनोगे, क्योंकि सुबह से शाम तक हम सिस्टर को देखते थे, सिस्टर लोगों को देखते थे, और इतना दूर से हम लोग पैदल में आते थे, पहाड़ चढ़ते थे, लेकिन हम लोगों को वो थकावट नहीं दिखाई देता था, क्योंकि स्कूल में सिस्टर लोगों को मिलना, और हम लोगों को कुछ खाना भी खिलाते थे सिस्टर लोग। हाँ, दूर से आते हैं ना, इसलिए सुबह आके मिस्सा के बाद हम लोग पहुँचते थे, मिस्सा के पहले हम लोग पहुँचते थे उधर, तो सिस्टर लोग देखते थे, वो लोग कुछ खा के आए नहीं होगा, टिफिन लेके हम लोग को बाहर बैठा के, बेटा बाहर जाओ, खाओ, अंदर आओ बोलते थे, हम लोग खा के आते थे, फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता था हम लोग बिना खा के आए हैं, हम लोग घर में कुछ कमी नहीं था खाने को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो बचपन से आपको लगा कि आपको सिस्टर बनना है, उसी प्रकार से आप पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे, कक्षा 10th तक आपने वहाँ पर गाँव में पढ़ाई की, उसके बाद आप क्या किया पढ़ाई के लिए? हम बोर्डिंग में गई, 8th स्टैंडर्ड, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th बोर्डिंग में गई, उसके बाद तुरंत क्या हो गया, हमने मम्मी से बोला, मम्मी 10th के बाद आपने मम्मी से बोला कि आपको सिस्टर बनने जाना है, मम्मी ने मुझे बड़ा अंक करके देखा, क्या सोचते हो तुमको वो जीवन जीने का क्या है, हो सकता है तुमको 5 बजे उठ नहीं पाती हो, 7 बजे उठ नहीं पाती हो, तुमको क्या होता है, मम्मी 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 करके उसका पल्लू पकड़ के घूमती थी, राउंड राउंड घूमती थी, अब क्या करें, 10th हो गया, मुझे लिखने को पड़ता है, मैंने एक इंडियन लेटर लेके मदर जनरल को लेटर लिखा। अच्छा, मदर जनरल को एक आप सीधा सीधा मदर जनरल ने क्या किया, उन्होंने ये लेटर, मेरा लेटर का क्या जवाब मेरे पापा को लिखा। हम वेट कर रही थी उनका लेटर का जवाब के लिए। आपको नहीं है, आपके पापा को आया। पापा का। अच्छा। पापा ने लेटर अल्टर के साइड में थोड़ा जगह था, उधर रखा था पोस्टमैन का लेटर, लेकिन उसको छूने के लिए मुझे डर लगता था, मुझे मालूम था वो लेटर मेरा ही है, मेरे लिए है, पढ़ लिया। बाद में हम नहीं रहते समय इन लोगों को मीटिंग चला घर में, मीटिंग में बोला वो क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, 2 लोग जा गए हैं ऑलरेडी। अच्छा, आपके 2 बहनें ऑलरेडी सिस्टर बन गई है वो, और तीसरा तुम क्या करें। हमने शुरू किया प्रेयर करने के लिए, रात को 12 बजे तक सब लोग सोने के बाद ये कमर बंद करके 2 कैंडल लगा के क्रूस लगा के हमने हाथ ऊपर करके प्रेयर करना शुरू किया, ताकि माता पिता आपको सिस्टर बनने का इजाजत दे देने करके। ये क्या किया मेरा भाई, रात को बाहर उस समय चोरी गिरी का कोई डर नहीं था, डर नहीं था, कमरा ये क्या दरवाजा खुला ही रहता था रात को भी। वो बाहर गया, मुझे आवाज आया, हम बिजी मेडिटेशन में थी, प्रेयर कर रही थी, मुझे एक बार परमिशन देने दो करके, ये चीज मेरे भैया ने खिड़की से देख लिया, खिड़की खुला था, देख लिया, मैंने उसको उतना क्या नहीं। बाद में दूसरे एक हफ्ते गया, बड़ा भाई गवर्नमेंट जॉब देता, वो आ गया, उनके सबके पास बात करना है ना, किसी को बहन ऐसे नहीं भेज सकते हैं,
वो लोग प्लान करना है भेजना है नहीं भेजना, मतलब बुलाया तुमको सिस्टर बनना ही है क्या, हाँ बोले मैं इतने ये पूरा मुझे मालूम नहीं थी, ये पूरा भैया ने बाद में बताया इसलिए हम लोगों ने तुमको भेजा है, लेकिन मम्मी तैयार नहीं थी। अच्छा, मम्मी ने सोचा दो लोग गए हैं सिस्टर बनने के काफी है और क्यों जाना, मम्मी तैयार नहीं थी। मम्मी तैयार नहीं थी, मम्मी बाद में तैयारी की। बड़ी सिस्टर मेरा वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी, वो बॉम्बे में शादी करके बॉम्बे गई थी, बॉम्बे में वो आती थी साल में एक बार और दो साल में, वो उस समय वो आ गई, वो आके मुझे पूरा तैयारी किया उसने। अच्छा, बड़ी बहन ने, बड़ी बहन ने पूरा क्या क्या ले जाना, बड़ी लंबी लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट को पूरा कम किया, इतना सारा सामान क्यों लेके जा रहे, चाहिए तो हम लोग पहुंचा देंगे, हम लोग कट करके जो जो चीज चाहिए। तो कक्षा 10th के बाद आप कहाँ आए? हाँ इधर नहीं, मैंगलोर में। आप मैंगलोर में? जयपुर। अच्छा, उधर मैंगलोर आए? मैंगलोर में ज्वाइन हो गई, उधर भी हम केलकम उड़ में ही थी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेना, ये सब आपका चलता रहता था, गाना बजाना, बड़े जोवियल टाइप में आप रहते थे। एक दिन हम जोर से गा रही थी, जोर से गाती, एक सिस्टर देख रही है कौन गा रही है, वो भी फिल्मी गाना, बोली है इधर बेटा फिल्मी गाना गाना नहीं, पूरा प्रेयर का गाना गाना। उस दिन मैंने छोड़ दिया, से आपने नहीं गाया? नहीं गाया, मुझे मालूम नहीं था गाना नहीं करके, मुझे गाते हैं सुनाना है दूसरों को सुनाना है, उस समय मुझे चुप हो गई। ठीक है, ठीक है। साइलेंस रखने को सीख लिया, डिसिप्लिन। कॉन्वेंट आने के बाद कॉन्वेंट के नियम के अनुसार आपको चलना, तो आपने धीरे धीरे सारे चीजों का पालन किया। पालन किया, ठीक है। उसके बाद निविशिष्ट हो गया, कैंडिडेट से मैं हमको वेणूर भेजा, वेणूर ठीक है, उधर भी हम छोड़ा नहीं मेरा, साइकिलिंग सीख लिए, म्यूजिक सीख लिए, सिलाई करने को सीख लिए। अच्छा। और चर्च में क्या है कैटेगिज्म पढ़ाने के लिए मुझे दिया था, उसके बाद क्या सब सक्रिस्टी का काम पूरा। अच्छा, सक्रिस्टी काम अकेली थी हम, सिस्टर लोग एक स्कूल जाते थे। अच्छा। हम अकेली थी, घर का काम भी करना ये भी करना, लेकिन हम बहुत अच्छे से कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक। उसके बाद हम नुविशिट गए, नुविशिट खत्म करने के बाद, नुविशिट में भी अच्छा लगा मुझे, बहुत फादर लोग टॉक देने के लिए आते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये हो गया, मेरा प्रोफेशन हो गया 1975 में, 1975 में प्रोफेशन करके हमको बैंगलोर भेजा, बैंगलोर हम पढ़ा रही थी, पढ़ाने का तरीका मुझे हम सीख लिया, सीखते सीखते मेरा पढ़ाई मेरा सिखाना पूरा बहुत पसंद हो गया। अच्छा, बच्चों को पसंद आ गया? बच्चों को था, सिस्टर लोगों को, एचएम को पूरा पसंद हो गया, हम जब मेरा आइटम सिलेक्ट होता था पूरा, हम अच्छा मुझे जो हम जो जानती थी उसको सिखा रही थी। उसके बाद हमको मेरा अच्छा काम देख के मुझे कुद्रेमुख को ट्रांसफर किया, वहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर के आई ओ सी एल दैट कुद्रेमुख आइनोर, उधर उधर हम एक स्कूल में पढ़ाने के लिए शुरू किया। अच्छा। उधर से बाद में मुझे बैंगलोर भेजा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, क्या ट्रेनिंग थी वो? टीचर्स ट्रेनिंग। अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं किया था तब तक? अच्छा, नहीं किए थे, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं किए थे। उधर ए सी सिस्टर्स, हाँ जी, हाँ जयनगर, उधर मेरा पढ़ाई किया, वो दो साल पढ़ाई करके उसके बाद मैसूर आ गई, मैसूर सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हुंसूर, उधर भी चार साल मैंने पढ़ाई किया। उधर चार साल होते समय आ गई मेरा मदर जनरल, मदर जनरल वो अभी नहीं है, सिस्टर मदर रेफर आता हमको ले जाने के लिए, कहाँ ले जाने के लिए? यूपी भेजने के लिए। अच्छा, वो कौन सा सन, कौन सा साल है वो? 1982 में। अच्छा, आपको कहा गया अभी आप 1982 में उधर आई थी, 1984 में, 84-85 तो आप यूपी जाओ करके। यूपी, यूपी में कहाँ का आपका कॉन्वेंट था उस वक्त? यूपी में हम रायबरेली आ गए। रायबरेली? अच्छा, रायबरेली और ये बरेली हाटमन हरदोई ये सब था? अच्छा, उस वक्त था। अच्छा, वो सब रायबरेली हम पाइनियर। अच्छा, रायबरेली स्टार्टिंग। अच्छा, रायबरेली पायनियर आप जानते हैं, बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है। लेकिन आई वाज एंजॉयिंग। कुद्रेमुख में भी हम लोगों को पहले रखा था ये गौशाला में,
रूम दिए थे और गौशाला में काउ बफेलोस को रखते थे उधर विलेज लोग उधर अच्छा से पेंट किया और रात को सोते समय बूंद बूंद गिरता था काला काला गिरता ये क्या है बाद में बोले ये गौशाला था बट आई वॉज नॉट फीलिंग बैड एक बेड था तीन लोगों को सोने के लिए एक ही कमरा एक ही कमरा में एक साइड में गाय भैंस को रखने वाला जगह में हम लोग को खाना पकाना That was really बहुत कठिन जिंदगी थी घर नहीं था एक सवाल मैं बीच में पूछने के लिए भूल गया ये आपका जो प्रोफेशन हुआ फर्स्ट प्रोफेशन जिस दिन आप सिस्टर बने तो वो कहाँ बने और कितना एक्साइटमेंट रहा उसमें वो बहुत एक्साइटमेंट फादर वो उधर हम लोग पूरा बैच वेरी एक्टिव एंड नॉटी हम लोगों के पास ये दिया था दिया फूल दिया था दिया प्लेट में फूल लगा के दिया रखा था गाना शुरू हो गया व्हाट इज इट आई विल टर्न माय स्टेप्स टू द अल्टर ऑफ गॉड दैट इज कोंकणी में हम लोग पूरा जा रहे डांस करके जा रहे थे हम पूरा डांसर्स ही हैं डांसर्स और नॉटी नॉटी सिस्टर्स मुझे याद है हम लोग डांस करके जा रहे हैं उसको क्या करने के लिए वो वेदी के ओर आप बड़े नृत्य करते हुए आनंद से जा रहे थे अच्छा लगा अच्छा ठीक है अभी भी मुझे याद है ना पहले इनिशियली आपका मम्मी को पसंद नहीं था कि आप सिस्टर बनने जाएं तो उस वक्त तो प्रोफेशन के दिन सब आए थे मम्मी पापा उस दिन आए थे खुश थे और बाद में सपोर्ट भी किया आपको मैं बताते रहती ना हम लोग कुछ भी गलत चीज नहीं बोलते थे अच्छी चीज ही बोलते ही गए आज तक मैंने किसी के बारे में नहीं फादर के बारे में नहीं सिस्टर लोग के बारे में गलत नहीं बोलते हैं हम जो अच्छी बातें हैं पॉजिटिव है सकारात्मक है आप वो शेयर करते हैं ठीक है तो घर से भी सपोर्ट मिला प्रोफेशन हुआ टीचर्स ट्रेनिंग हुई टीचिंग का काम हुआ और 1984 यानी कि 84 में जिस साल इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी आपको रायबरेली उत्तर भारत में यूपी में पाइनियर के यानी कि शुरुआत करने के लिए भेजा है ना ठीक है आप आए आपके साथ और कोई थे मेरे साथ दो जूनियर सिस्टर एक जूनियर सिस्टर थी मुझे मन नहीं था उस मतलब समय मई जून में इतना गर्मी इधर गर्मी रहती थी गाड़ी में आते समय मेरा और वो भी साउथ का माहौल छोड़ के यूपी आना अच्छा ये आपको अच्छा नहीं लगा बहुत रोई थी फादर रो रही थी हम लोग कोंकणी में बात कर रहे थे हमारे सिस्टर आइरिन डेसा बगल में एक आदमी बैठा था वो कौन है बिशप बने थे ना उन्हें अमरोज वो प्रीस्ट था अमरोज मारता वो पूरा हम लोग कहानी सुन लिया हमको मालूम नहीं था उसको कंकनी आता है करके बाद में लोग चोर से बोला सिस्टर से शी शॉप स्टॉप करें हम लोग कहानी रोना ब्रा फादर सुनेंगे वो ही हम लोग लखनऊ तक पहुंचा दिया अच्छा ले जाने के लिए वो आते समय मैंने सोचा और आगे जाते समय आगे आग मिलेगा सोचा इतना गर्मी नॉट एसी में आए इसलिए ठीक है तो आप रायबरेली आए कितने समय रहे वहाँ पर आप चार साल रहे तो शुरुआत थी 1989 में मेरा पिताजी खत्म हो गया मुझे मालूम ही नहीं था 89 में पिताजी खत्म हुए आपको बताया नहीं मतलब ये मैसेज नहीं मिला मैसेज उस दिन हम लोग बाहर गए थे कानपुर गए थे थोड़ा मिशन स्टेशन देखने के लिए वो बाद में टेलीग्राम आ गया फोन आया था फोन उठाने के लिए कोई नहीं था उधर बाद में हम नहीं गए वन मंथ तक नहीं गए हमको अकेले भेजने को लो वो डर गए रास्ते में रोएगी करके बट आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग खबर मिल गई हमारा पेपर था करेक्शन करने का एग्जाम का चापल में गई प्रेयर किए बाइबल पढ़ लिया मैंने मुझे ये हो गया क्या अरे तसल्ली मिली आपको बाद में दर्शन करने बैठ गई अच्छा मैंने रो कर नहीं बैठी हूँ हाँ उस वक्त ऐसा सुविधा भी नहीं थी कि आप तुरंत अंतिम संस्कार के लिए जा पाए ऐसा सुविधा नहीं थी लेट आपको मैसेज मिला कि आपके पापा जी नहीं रहे तो फिर भी आपने सब कुछ सह लिया प्रभु के लिए और आपने अपना काम जारी रखा ठीक है मुझे मालूम था क्योंकि मेरा पिताजी हर समय बाइबल पढ़ता था
एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट वो 12 बार पढ़े हैं उसका अच्छा। इतना ऐसे कलर हुआ था ब्लैक हुआ था उसका बाइबल अच्छा अच्छा पढ़ के रात अच्छा। को उठ के भी पढ़ता था अच्छा बाइबल पढ़ते थे यस अच्छा ठीक है और गाना है हम लोग बच्चे लोग पूरा खाना खाने के पहले हम लोग 4 गाना है खाना खाने से पहले शाम को अच्छा, 4 गाना प्रेयर के बाद अच्छा। गाना है उसको हम लोग आवाज सुनने को बहुत अच्छा लगता था पूरा हाँ। लड़की है ना हाँ। वो बैठता था ऐसे आप बैठे जैसे हाँ। हम लोग मेज के चारों तरफ खड़े हाँ। होके 4 गाना गाना उस समय एक फादर आ गए कैपुचिन फादर प्रिंग फेस्ट वो लोग विजिट करते रहते वो लोग उस समय पहुंचे पीछे खड़े थे पूरा गाने मुझे उसने थाली बजाए दो फादर लोग आए थे वेरी गुड बोला हम लोग और अच्छा लगा अच्छा ठीक है इसलिए हम लोगों का घर में है ना वो भक्ति था प्रेयर का अच्छा प्रार्थना का माहौल हमेशा बना रहा क्योंकि आपके पिताजी स्वयं बाइबल बार बार पढ़ते थे और वो स्ट्रिक्ट थे कि चर्च जाने के प्रति और प्रार्थना के प्रति घर में आध्यात्मिक गीत गाने के प्रति इसलिए वो माहौल प्रार्थना में माहौल आपके घर में बना रहा तो आपने जब रायबरेली आए वो एक प्रकार की आपको चुनौती रही एक चैलेंज रहा वो ऐसे चैलेंज बहुत सारे आए होंगे आपके सामने बहुत सारे इधर मुझे थोड़ा सा एक साल मुझे बहुत कठिन हुआ मैंने वापस जाने के लिए सोच रही थी रायबरेली से अच्छा यहाँ से फिर साउथ में जाएंगे टाइम होते होते अच्छा लगने को बाद में धीरे-धीरे अच्छा लगा लोग अच्छे लगे क्योंकि लोग बहुत प्यार तो यहाँ पर आके हिंदी सीखना पड़ा ना आपको हमको सीखना पड़ा यही तो चैलेंज रहा आपके लिए हाँ हिंदी हिंदी लेकिन मेरा हिंदी पसंद है लेकिन इंग्लिश मीडियम में काम किया मैंने सब इंग्लिश मीडियम में काम किया लेकिन हिंदी तो लोगों से बात करने को सीखनी ही पड़ी तो एडिशनल चुनौती रही ये उस वक्त एक बार सिस्टर बनने के बाद फिर दूसरी जगह पर जाना एक चुनौती वहाँ की भाषा सीखना वहाँ से लोगों से मिलना काम दाम करना एक चुनौती रही लेकिन आपको ऐसे लगा नहीं क्योंकि आपने प्रभु के साथ लगाव रखा इसलिए आपने सब कुछ अच्छे से किया ठीक है ओके बहुत अच्छा लगा मुझे उसके बाद हम हरदोई गई उधर से अच्छा रायबरेली के बाद हरदोई आए हरदोई में भी हरदोई स्टार्टिंग था क्या ना उधर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था हां 87 में स्टार्ट हुआ था ओके हम 89 में गई हैं उसके बाद उधर 2-3 साल क्लास 5th 6th 7th 8th 4 साल 5th ईयर मुझे बीएड करने को आईटी कॉलेज लखनऊ में उधर मुझे सीट मिल गया उधर हम बीएड किया बीएड के बाद मुझे तुरंत आजमगढ़ माऊ भेजा एज ए प्रिंसिपल ओके 6 साल उधर थी 6 साल आप उधर रहे उधर मुझे बहुत काम करना पड़ा सुबह शाम उधर मान्यता नहीं मिला था अच्छा वो काम किया मैंने सुबह से शाम तक सुबह पहुंचना फिर रात को जाना सुबह पहुंचना रात को जाना सेक्रेटेरिएट हाँ काफी भागदौड़ रही ठीक है मोर देन 30-40 टाइम्स मे बी ओहो इतना बार क्योंकि मतलब 30-40 बार आपको अप एंड डाउन जाना पड़ा मान्यता हासिल करने के लिए ठीक है वो आपका पहला स्कूल था से प्रिंसिपल यस यस बहुत काम रहा काम तैयारी करना है ना उसके बाद एफिलिएशन एसीएससी बोर्ड 9th खोल दिया 9th 10th 11th 12th करके हम उधर से मुझे लखनऊ फिर लेके आए हैं ठीक है जब ये कठिनाई आपके जीवन में आई जैसे रायबरेली आना यहाँ पर हिंदी सीखना उसके बाद ऐसे प्रिंसिपल पहली बार नॉर्थ इंडिया में ये सब हैंडल करना तो इस वक्त आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे आप मैंने गलती कर दी मैं क्या क्यों सिस्टर बनी अरे नहीं बनती ऐसा कुछ बात आपके मन में नहीं आई कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुई इट वाज अ जॉय ये मेरा अच्छा क्या है ये मेरा ये सब कुछ एक आनंद का विषय रहा आनंद काम करते हैं जितनी चुनौती आई जितनी परेशानी आई उतना एक आपको आनंद के साथ आपने फेस किया सामना किया और आप आगे बढ़ते रहे कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैंने गलती कर दी मैं क्यों सिस्टर बनी कभी ऐसा आपके मन में कभी नहीं आई बहुत अच्छी बात है कि तमाम प्रकार कठिनाइयों के बावजूद एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड से लाइफ को फेस करना बहुत ही सुंदर बात है एक प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण हम समझ सकते हैं क्या करती है फादर हम रोजरी लेके रोजरी बोलती थी बस में लखनऊ से माओ तक रोजरी बोलते गए नींद आते समय सो रही थी बैग ऐसे टाइट पकड़ती थी
उसमें पैसा रोजरी बोलते गए, रोजरी बोलते आए, ठीक है, यानी कि हमेशा अपने कमजोर हाथ को प्रभु के हाथ में थाम के रखना और आगे बढ़ना। यस, दैट वो मुझे बहुत मदद किए, मेरा प्रार्थना, मेरा भक्ति ईश्वर से और प्रभु से। उसके बाद लखनऊ में भी वो ये काम मिला, मान्यता प्राप्त करना, उसको उसके लिए काम करना। लखनऊ का कुर्सी रोड में, कुर्सी रोड जीवनधारा। अच्छा, वहाँ पर आप प्रिंसिपल रहे? प्रिंसिपल रहे। अच्छा, ठीक, 2000 से 2007 तक। अच्छा जी, ओके ओके। उसके बाद वहाँ भी मान्यता मिल गई, एफिलिएशन मिल गया, फाइनल एफिलिएशन। उसके बाद सिस्टर लोगों ने देखा वो बहुत काम कर रही है करके, मुझे एक साल ये दिया, ब्रेक दिया, ब्रेक। वहाँ पर कहाँ, रानीपुरा, ऋषिवना, दैट ग्रेसफुल एजिंग। उस समय मुझे 54 ईयर्स था। सब इतना लोगों में हम तो सबसे यंग थी, यंगेस्ट वन इन द ग्रुप। सब लोग 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 तक भी थे। कूदना करना पूरा मेरे ऊपर ही आता था। कोई प्रोग्राम है, संगीत है, ऐसे मुझे बहुत क्या मिलता था। और डायरेक्टर भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दे रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उधर से हम क्या, उधर ये एक घटना हुई, मेरा नटीने से हम ऊपर चढ़ी थी कुछ देखने के लिए, गिर गई, गिर के मेरा बैक क्रैक हो गया। हम 15 डेज से बेड रिडन थी। उधर भी मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, ईश्वर मुझे ठीक करेगा। और एक फैमिली आ गई, सिस्टर संगीत, वो ही जीसस तुमको ठीक करेगा, उसी ने ठीक किया मुझे। और मेरी बहन, सबसे बड़ी बहन, सिस्टर देखभाल करने को, वो भी आप ही के समाज में है। हम सब लोग, चार लोग भी एक ही समाज में, चारों के चारों एक ही समाज में। यस। अच्छा, दो लोग नॉर्थ मैसूर प्रोविंस से है, प्रोविंस एक मैंगलोर में थी, वो खत्म हो गई, से हम नॉर्थ प्रोविंस में। अच्छा, चारों एक ही समाज में। एक ही समाज में। अच्छा, ठीक है। घर जाते समय हम लोग बोलते थे, हम एक फुल कम्युनिटी आ गई, अच्छा लगता था। ठीक है, ठीक है। तो सिस्टर जी, आपके सिस्टर बनके टोटल कितने साल हुए अभी? 1975 से, लगभग 47 हो रहा है। 2025 में मेरा गोल्डन जुबली आएगी। अच्छा, यानी कि लगभग 50 साल के आसपास आप हैं अपने समर्पित जीवन में। इस 50 साल में सिस्टर जी, बहुत सारे आपके पास गॉड एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे। तो एक दो गॉड एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। हमको प्रेयर मेडिटेशन में है ना, मेडिटेशन में हमको कभी कभी उठने को मन नहीं लगता था शुरू में। हाँ, जब छोटे थे, प्रशिक्षण के समय। नहीं, अभी भी। अभी भी। अच्छा, हमको अच्छा, वो तरीका मालूम है। अच्छा, मनन, चिंतन, ध्यान, प्रार्थना में उतना एक इंटरेस्ट नहीं, कठिनाई होती है। अच्छा जी, अभी अच्छा लगता है प्रार्थना में। मुझे कोई कहीं भी प्रार्थना को जाना है, मुझे ये बात नहीं है। हम जल्दी उठती हूँ, कितना भी देर से सोती हूँ, मुझे सब लोग बोलते हैं ये जितना देर से 12 बजे सोती है, ये 4 बजे कैसे उठती है? अच्छा, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं आप? 4:30 उठ के आप तैयार होते हैं, बाइबल पढ़ना, मनन चिंतन करना, ये सब करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी प्रेयर है, पर्सनल प्रेयर है, ये सब में आप लगे रहते हैं। पर्सनल प्रेयर अभी बीच में करती हूँ, 10:30। अभी हम फ्री है ना, अभी इधर ANM स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मॉरल साइंस और ये गुड मैनर्स पूरा सिखाती हूँ। ओके ओके। और घर का काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मुझे, मेरे ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, मैनुअल वर्क पूरा। मन है लेकिन मेरा बैक अलाउ नहीं करता है। अच्छा, वो पीठ का दर्द है? दर्द है, ज्यादा करेगा तो जलता है। ठीक है, तो और एक कोई अनुभव अभी? तो चलो ठीक है, प्रेयर का अनुभव है, आनंद आता है। कोई गॉड एक्सपीरियंस और कोई अनुभव? कोई अद्भुत बात हुई हो? हाँ, हुई है, 4 बार हुई है। हाँ, बताइए। एक बार नहीं, अभी मेरा पिताजी का डेथ होने के बाद हम एक बार एग्जाम लिखने के लिए वाराणसी गई थी। हम दोनों और एक सिस्टर है, और हम लोगों को रिक्शा रोकती नहीं थी, कोई नहीं रोकते थे। 10 मिनट था पहुंचने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए। तब एक बूढ़ा आदमी आ गया, रिक्शा रोक दिया, इनको बैठा दो।
बैठ गया। हम वो आदमी को थैंक यू बोलने के लिए ऐसे देख लिया, मैंने पीछे देख लिया, उधर नहीं देख दिखा, उधर देख लिया, उधर भी नहीं देखा, पीछे देखा, पीछे भी नहीं है। हाँ मतलब रिक्शा लेके आया जो आपने मोड़ के देखा, नहीं नहीं था, नहीं ना नहीं था। मैं हमने ना सोचा, मैंने पापा से क्या कहते हैं बेटा, वो मेरा बहुत प्यार करता था मेरा पिताजी, कुछ भी मुझे चाहिए आई प्रे टू मेरा पिताजी से पूछती हूँ, वो मेरे साथ है, मेरे साथ बिल्कुल है, ये मुझे इन सब ईश्वरी बेचते हैं इनके रूप में। नेक्स्ट टाइम एक बार ट्रेन में चढ़ते समय, ट्रेन में चढ़ लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया बेंगलुरु ट्रेन में। हम बहुत चीज़ लेके आती थी सामान कॉन्वेंट के लिए, पूरा खाने का सामान पूरा लाती थी, डालते डालते वो ट्रेन मूव हो रहा है, मूव हो रही, तुरंत एक आदमी आ गया, यंग आदमी, आपके जैसे एक यंग आदमी आ गया और मेरा लगेज पूरा खींच रहा है। हम डर गए, वो आदमी क्यों खींच रहे मेरे हाथ से, कहाँ लेके जा रहे हैं, आप आइए कंकनी में, तू ये आइए बोल रहे हैं, तुम्हारा सीट कौन सा है, S6 बोला मैंने, S6 कौन सी नंबर, नंबर भी बोल दिया। मुझे इधर धड़कन सुने को, ये लेके कहाँ भाग रहे हैं मेरा लगेज पूरा सूटकेस वो अदर थिंग्स, वो भाग गया और मुझे वो रख दिया उसको, फिर आ गया, फिर आ गया सामान हम और वो एक साथ में करेक्ट पूरा अंदर रख दिया और पीछे ऐसे मुड़ के चला, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, इसको थैंक यू बोलने को हम बुला रहे हैं, वो नहीं रुका, दोबारा मिला नहीं आप उसे? नहीं, वो सीधा गया। हम सोच रहे हैं कौन आदमी हो सकता है, वो मेरा पापा ही हो सकता है, इनका रूप में आया है, बेटी परेशानी में है इसे, ये एक चीज। और एक चीज, हम लोग केरल गए थे, केरल में वी हैड गॉन समुद्र का किनारे घूमने के लिए, उधर सिस्टर ने ये खरीदा क्या है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में पूरा रस आ रहा था, मेरे हाथ में एक टवल ने पूरा बस में जोड़ के आए थे, खाते समय ये पूरा मक्खी पूरा उसमें बैठ रहा है, अभी कहाँ साफ करें, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, एक जगह गया उधर पानी नहीं मिल रहा है, वो और ही जगह उधर भी वेल्लंकनी माता चर्च है ना उसके सामने, बाद में ऐसे ऐसे मुड़ गया अंधेरा, एक आदमी पानी लेके आ रहा है बकेट में, बकेट में पानी, मुझे कौन सा भाषा में पूछे, तमिल में पूछे, मुझे मन नहीं आता, कुंच पानी आई सेड हिंदी भी है कुंच पानी, वो स्माइल कर रहा है लेकिन मेरा हाथ में पानी डाल रहा है, और अच्छे से मैंने साफ किया, दूसरा बार डाल दिया, वो भी साफ किया, तीसरा बार गए और मुझे चेहरा नहीं दिखाया सीधा, मुझे वो याद नहीं है, मेरे पापा का याद नहीं आया, बाद में मुझे दिमाग में आ गया ये कौन आदमी, उसको ढूंढ लिया मैंने, ऐसे देख लिया और उधर देख लिया, इधर देख लिया, ऊपर चर्च में चढ़ा, वो बाकेट पे चर्च क्यों जाएगा, आदमी नहीं दिख रहा था। ये चीज मुझे बहुत, तो आपको कहीं प्रकार के इस प्रकार के अनुभव हुए कि ईश्वर ऑन द स्पॉट इंतजाम करता, प्रबंध करता है, जब आप कठिनाई में हैं वो आपको सपोर्ट करता है, आपको अनुभव हुआ, बहुत अच्छी बात रही। तो इस वक्त सिस्टर जी, तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग, मतलब इन दिनों में क्या करते हैं आप आध्यात्मिक जीवन में, हर दिन हमें बढ़ना है, हमारी एज चाहे जो भी हो, तो इन दिनों में आप क्या करते हैं? I read word of God every day, मतलब हर दिन आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं? Yes, अच्छा, हर दिन पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, yes, उसमें जो चीज मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, और स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक किताबें आप पढ़ते हैं, और अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग, किसी ने अच्छा किया उनको प्रेज करती हूँ, तारीफ करते हैं, और सबको मानते हैं, गुड मॉर्निंग, अच्छे से बात करती हूँ, सिस्टर आप आइए, इधर ही रुकिए, जब तक मुझे यहाँ रखते हैं हम रुकेंगे, जाओ मैंने, हम जाएंगे, बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सिस्टर जी, आजकल फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं,
इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं फादर की जिंदगी कैसी है, सिस्टर की जिंदगी कैसी, उनकी ऐसा नहीं है। उनके पास यूथ से अगर बात करेंगे ना, यूथ को पता है फादर मतलब ऐसा होना चाहिए, 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 सारे सजेशन उनके पास है, सारे प्रीस्ट के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनको, उनको पता है। तो क्यों नहीं आते हैं ये लोग? आप क्या सोचते हैं? जब उनको मालूम है प्रीस्ट बनना है तो इस प्रकार से बनना है, धर्म बहन बनना से ऐसे बनना है, जब उनको मालूम हो क्यों आते क्यों नहीं है, क्या कारण सोचते हैं आप? मुझे लगता है उनको प्रभु का अनुभव नहीं हुआ है। एक बार अनुभव होता है वो कभी नहीं जाएगा। जैसे मुझे अनुभव हुआ है, मेरा फर्स्ट कम्युनियन डे मुझे इतना, मुझे पता नहीं हम ऐसे चिड़िया जैसे उड़ के भाग गई थी, सब कुछ उड़ के कूद कूद के पहाड़ में, हम लोग घर पहाड़ पहाड़ उतार के जाने, किसी को मैंने इंतजार नहीं किया। आई वॉज टॉकिंग टू जीसस, हम प्रभु से बात करते गई हूँ, हम लोग सिखाए हैं ना, और हम कैटेगिज्म भी पढ़ाती थी स्कूल में, पढ़ते समय हमको बुलाते थे कैटेगिज्म पढ़ाने के लिए सिस्टर लोग, उधर से भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ गया, पढ़ाते समय हमको ज्यादा समझ में आता है। ओके ओके ओके। तो सिस्टर जी ठीक है, आप लगभग लगभग 50 साल का समर्पित जीवन अभी लगभग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे दर्शकों को एक कुछ ठोस कुछ खास संदेश दीजिए, सम मैसेज टू आवर पीपल। मैसेज वो है एक, हमारा जीवन में गुस्सा नहीं रखना। गुस्सा रखने से हमारा अंदर वो युद्ध होता है। मुझे एवरी डे हर एक दिन हम सोच रहे हो, वो गुस्सा ही हम लोगों को अंदर युद्ध शुरू करता है, वो युद्ध हम लोग बाहर दिखाते हैं। आजकल में हमारा देश में ये युद्ध हो रहा है, हर एक इंसान के अंदर शायद वो युद्ध हो रहा है। वो शांति है, हम लोग शांति बांट सकते हैं, युद्ध है तो उसी का रास्ता में चलते हैं। और यस, यानी कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी हमें नहीं रखना चाहिए, बल्कि शांति से प्रेम से हमें रहना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर संदेश हमारे दर्शकों के लिए सिस्टर जी आपने दिया कि हम प्यार मोहब्बत से रहें, शांति को बांटते रहें, और कोई किसी के प्रति गुस्सा या शिकायत ना रखें, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता क्लियर करें और बड़े आनंद से रहें, ये है सिस्टर जी का कहना। भाइयों बहनों, अब तक हम सुन रहे थे सिस्टर संगीत डिसोजा जी का बुलाहट की जीवनी की कहानी और उनका अनुभव, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे इस स्टूडियो में अपने अनुभवों को बांटा है। हम आप सभी दर्शकों की तरफ से सिस्टर जी का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय निकाल कर इस जीवनी की कहानी को आपने सुना है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए सत्संचार स्टूडियो, प्रति बृहस्पतिवार के शाम के वक्त आप सबों के समक्ष अलग अलग लोगों की बुलाहट की कहानी को लेकर आता है। आप लोग इसमें इसको सुनिए और लोगों के जीवनी के द्वारा प्रेरणा पाइए, प्रभु के बुलाहट को पहचान लीजिए और उस बुलाहट का जीवन को जीते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए सदा ही तत्पर और तैयार रहिए। तब तक के लिए भाइयों बहनों, आप सबों को धन्यवाद, सबको जय यीशु की।